नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फ्रेंचाइजी की बात पे। आज हम जिस फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करी है DTDC कुरियर कंपनी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं DTDC का फुल फॉर्म क्या है? जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ, डैश टू डैश कुरियर एंड कार्गो। DTDC कुरियर कंपनी 31 साल पुरानी कंपनी है। ये कंपनी 1990 में इंडिया में स्टेब्लिश हुई थी। ऑल ओवर इंडिया में इनके 12,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी पार्टनर है और ये 11,400 से ज्यादा पिन कोड पे सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कंपनी हर महीने 12 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट को डिलीवरी करती है। 12 मिलियन मतलब 1,20,00,000। इसको मैं 30 दिन से डिवाइड करता हूं तो ये होता है अराउंड 4,00,000 के आसपास में। मतलब हर दिन इनका 4,00,000 से ज्यादा प्रोडक्ट कुरियर होता है। इसलिए दोस्तों, DTDC को इंडिया का मोस्ट प्रिफर्ड कुरियर कंपनी माना जाता है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि ये कितना बड़ा ब्रांड है, तो आप इनके साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि इसमें कितने स्पेस की जरूरत होगी, कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलने वाला है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि DTDC कुरियर कंपनी आपको क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। मैं आपको बता दूं, DTDC कुरियर कंपनी आपको 3 प्रकार की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो पहला है मॉडल फ्रेंचाइजी, दूसरा है एंटरप्राइज फ्रेंचाइजी और तीसरा है डिलीवरी फ्रेंचाइजी। तो चलिए अब इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहला है मॉडल फ्रेंचाइजी। इसमें आप बिजनेस डेवलपमेंट एंड कस्टमर को सर्विस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसमें आपको एक पर्टिकुलर पिन कोड का एरिया दिया जाएगा, उसमें आप कस्टमर से बुकिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपको डिलीवरीज भी करनी होगी। कंपनी की तरफ से आपको रोजाना प्रोडक्ट मिलेंगे डिलीवरी करने के लिए। दूसरा है एंटरप्राइज फ्रेंचाइजी। यदि आप ये फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको एंटरप्राइज और कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ डील करना होगा, उनके पैकेट्स को आपको पिकअप करवाना होगा। तीसरा है डिलीवरी फ्रेंचाइजी। अगर आप ये फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप कंपनी के साथ में एज ए डिलीवरी पार्टनर काम करेंगे। आपके पर्टिकुलर पिन कोड एरिया में आपको डिलीवरीज मिलेगी, उन डिलीवरीज को आपको आपके डिलीवरी बॉयज के थ्रू डिलीवरी करवाना होगा। पर डिलीवरी के ऊपर आपको कंपनी की तरफ से कमीशन मिलने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन तीनों को शहरों के हिसाब से इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। अब दोस्तों, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये कैटेगरीज क्या है, तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। कैटेगरी ए मतलब अर्बन एरिया, कैटेगरी बी मतलब सेमी अर्बन एरिया और कैटेगरी सी मतलब रूरल एरिया। तो आप जहां कहीं पे भी फ्रेंचाइजी लेंगे तो लोकेशन के हिसाब से कैटेगरी डिसाइड होगी। तो दोस्तों, कैटेगरी के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट एंड स्पेस डिसाइड होता है, जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। यदि आप कैटेगरी ए से बिलोंग करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए की जरूरत होगी। यदि आप कैटेगरी बी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत होगी। यदि आप कैटेगरी सी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 50,000 रुपए की जरूरत होगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी कोई भी आपसे फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेने वाली है। आपको सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट और सेटअप फीस देनी होगी। इसके अलावा आपका जितना भी टर्नओवर होगा उसका 10% आपको कंपनी को एज ए रॉयल्टी फीस देनी होगी। यदि मैं मार्केटिंग की बात करता हूं तो आपका जितना भी सेल होगा उसका 5% आपको मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा आपको कुछ वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत होगी। चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप कैटेगरी ए से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में 1 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कैटेगरी बी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में 50,000 रुपया वर्किंग कैपिटल होना चाहिए और कैटेगरी सी में 25,000 रुपया वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ एम्प्लॉयज को भी हायर करना होगा। कौन सी कैटेगरी में कितने एम्प्लॉयज लगने वाले हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कैटेगरी ए में आपको कम से कम 4 एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, कैटेगरी बी में 3 एम्प्लॉयज की और कैटेगरी सी में आपको 2 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आपको कितने स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। स्पेस डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। जैसे कि मॉडल फ्रेंचाइजी में आपको कम स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है और डिलीवरी फ्रेंचाइजी में आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा स्पेस कैटेगरी के हिसाब से भी डिपेंड करता है। दोस्तों, यदि आपको जानना है कि आपके एरिया में कितने स्पेस की जरूरत होगी तो आपको कंपनी को कॉन्टेक्ट करना होगा। आप कंपनी से कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो वो मैं इस वीडियो के आखिर में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में तो बहुत सारी कुरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी अवेलेबल है, तो आपको DTDC की कुरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए? तो चलिए अब मैं इसका रीजन आपको बता देता हूं। सबसे पहला, फ्रेंचाइजी एडवाइजरी बोर्ड सपोर्ट। DTDC कुरियर कंपनी ने एक फ्रेंचाइजी एडवाइजरी बोर्ड बनाया है। इस बोर्ड में वो लोग होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इनकी फ्रेंचाइजी ली हुई होती है। इस बोर्ड के मेंबर्स का काम होता है कि नए फ्रेंचाइजी पार्टनर को सपोर्ट करना और इसके बिजनेस को सेटअप करके ग्रो करने में मदद करना। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके आसपास में फ्रेंचाइजी एडवाइजरी बोर्ड में कौन-कौन है और उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स कैसे मिलेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपके आसपास में फ्रेंचाइजी एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन है। दूसरा, ट्रेनिंग सपोर्ट।
कंपनी की तरफ से आपको और आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ये सिखाया जाता है कि डे टू डे ऑपरेशन को कैसे मैनेज किया जाता है, इसके अलावा सारी चीजें कैसे काम करती है वगैरह वगैरह। तीसरा है मार्केटिंग सपोर्ट। नए फ्रेंचाइजी पार्टनर को कंपनी की तरफ से मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों, आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज कंपनी अपने लेवल पे हैंडल कर लेती है। लेकिन आपका जितना भी सेल होता है उसका 5% आपको कंपनी को एज ए मार्केटिंग फीस देना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। यदि आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको 20% का एश्योर्ड प्रॉफिट मिलेगा। यदि मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं, कैटेगरी ए से जो फ्रेंचाइजी पार्टनर बिलोंग करते हैं वो लगभग महीने का 1.5 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं, कैटेगरी बी से बिलोंग करने वाले 75,000 के आसपास में बिजनेस करते हैं और कैटेगरी सी से बिलोंग करने वाले 50,000 रुपए के आसपास बिजनेस करते हैं। दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एवरेज बता रहा हूँ, ये लोकेशन के हिसाब से वेरी कर सकता है क्योंकि बिजनेस काफी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका बिजनेस का लोकेशन, वहां की पॉपुलेशन कैसी है और आप कितना हार्डवर्क करते हैं, ये सारी चीजों पर। मैं आपको बता दूं, आप 1.5 लाख से ज्यादा का भी इनकम कर सकते हैं, पर जो लोग कैटेगरी ए का फ्रेंचाइजी लेते हैं वो ऑन एन एवरेज 1.5 लाख का बिजनेस कर ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप डीटीडीसी कुरियर कंपनी की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे आना होगा। इनकी वेबसाइट है www.dtdc.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। वेबसाइट में आने के बाद में आप देख सकते हो कि आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे ऊपर की तरफ, तो आपको ये फ्रेंचाइजी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जब आप फ्रेंचाइजी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उसके बाद में आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें वही सारी चीजें आपको बताई गई है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये BADTDC फ्रेंचाइजी लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको क्लिक हियर के पास में आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जिसके नीचे आप जाते हैं तो आपको ये फॉर्म आ जाता है जिसको आपको भरना है, जिसमें आपको नेम, ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, और आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रेंचाइजी भी दिखेगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी फ्रेंचाइजी में आपको इंटरेस्ट है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरा डिटेल आप फिल करने के बाद में आपको ये सबमिट करना होगा, तो आपकी डिटेल कंपनी के पास में चली जाती है और कंपनी वाले आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना कितना आसान है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास में फ्रेंचाइजी एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन है। तो आपको इनकी वेबसाइट पे फ्रेंचाइजी पे क्लिक करना होगा। जब आप फ्रेंचाइजी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जिसमें आपको लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंचाइजी एडवाइजरी बोर्ड। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है, तो फिर आपके सामने ये नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट करूंगा, और जैसे अभी मेरे को यहाँ पे सिटी का ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं सिटी सिलेक्ट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं थाने सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। तो यदि मैं फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं इनसे बात करके आगे की जानकारी ले सकता हूँ। तो इसी प्रकार से आप अपना स्टेट और सिटी सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपके आसपास में कौन एडवाइजरी बोर्ड में है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।